हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड सीईओ आइटॉनिक सॉल्यूशंस, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डॉज कॉइन के बारे में। डॉज कॉइन के अंदर हमारे पास दो तरह के पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, एक राइजिंग वेज पैटर्न और दूसरा पैटर्न जो हमें देखने को मिल रहा है वो सिमेट्रिक ट्राइंगल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम राइजिंग वेज पैटर्न की बात करें तो राइजिंग वेज क्या करता है, हमेशा यहाँ से ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। तो जब भी इस पॉइंट के बाद जो हमारा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है राइजिंग वेज के अंदर, वो कंटिन्यूसली इस तरह से मूव कर रहा है। अभी जो है वो यहाँ पे है। अब इस पॉइंट के बाद यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो ये इस पॉइंट के ऊपर जाएगा या यहाँ से ये इस पॉइंट के नीचे आएगा। अगर इस पॉइंट के ऊपर आता है देन जो ब्रेकआउट है वो कंफर्म हो जाएगा, नीचे की तरफ होगा और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमारा 13 रुपीज़ या 12.5 रुपीज़ के अराउंड होगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, उसको शॉर्ट कर देना है और यहाँ से हम उसको पहले सेल कर देंगे और नीचे आके उसको बाय कर लेंगे। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है एंट्री पॉइंट, जहाँ पे हमें इसको बाय करना है और बाय करने के बाद ये हमारा शॉर्ट टारगेट, फर्स्ट टारगेट जहाँ पे हम इसको सेल करेंगे। उसके बाद का जो टारगेट है वो टारगेट है 20 रुपीज़ का टारगेट, तो वो हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। बट उसके लिए मार्केट के सेंटीमेंट भी मैटर करते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है या मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, क्या न्यूज़ आ रही है उस टाइम पर मार्केट में, उस चीज़ के ऊपर यहाँ पर जो ब्रेकआउट है वो डिसाइड होगा। अब अगर हम बात करें सेकंड पैटर्न की, दैट इज़ जो हमारे पास सिमेट्रिक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। तो सिमेट्रिक ट्रायंगल में क्या होता है, हमारे पास कुछ इस तरह से पैटर्न बनता है और जो भी मूवमेंट होती है वो उसी के बीच में मूवमेंट होती है। अब यहाँ से ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं कि यहाँ से ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, अगर इस पॉइंट से ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है। तो इसमें भी पॉसिबिलिटी वही होती है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट होना। इस केस में अगर हम बात करें कि अगर हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड में अगर हमारे पास यहाँ पे राइजिंग वेज पैटर्न देखने को मिलता है, जैसे ये हमारा डाउन ट्रेंड था, ऊपर से डाउन ट्रेंड आ रहा है और उसके बीच में अगर हमारे पास यहाँ पे राइजिंग वेज पैटर्न देखने को मिलता है, उस टाइम पे जो हमारे पास यहाँ पे जो ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं। 70% चांसेस यही होते हैं कि जो ब्रेकआउट होगा वो नीचे की तरफ होगा, और ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट की बात करेंगे तो उसके 30% चांसेस होते हैं। अगर तो मार्केट बिल्कुल स्टेबल रहती है और कुछ भी हिसाब से कोई न्यूज़ नहीं आती, देन डेफिनेटली ये 70% चांसेस सही हो जाएंगे, 100% में कन्वर्ट हो जाएंगे, नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ट्वीट आ जाता है, और ट्वीट से भी कितने रुपये का फ़र्क पड़ेगा, अब मैक्स टू मैक्स 1 रुपये का फ़र्क पड़ता है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 1 रुपये या 2 रुपये पड़ जाएंगे। तो अभी अगर 15.4 पे है तो 16.5 पे चला जाएगा, राइट। तो उसके हिसाब से भी अगर ये ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद जो टारगेट है वो 16 रुपीज़ का होगा। अगर यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम में हमें यहाँ से मिलता है और ग्रीन कैंडल मिलती है, देन हम यहाँ से एंट्री लेके जो शॉर्ट टारगेट है उसको हम यहाँ पे इस पॉइंट तक यहाँ से सेल आउट कर देंगे। तो पहले 20 का वेट नहीं करेंगे, 19 के अराउंड हम पहले ही निकल जाएंगे उसको सेल आउट करके। तो अगर बाकी के टारगेट देखें तो उसके लिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहाँ से हम इसके सारे टारगेट्स पता चल जाएंगे, जैसे कि पहला टारगेट इसका क्या है, 16.65 का। उसके बाद अगर ये ऊपर जाता है तो 20 रुपीज़ का टारगेट है, एंड जो लास्ट टारगेट है इसके पास यहाँ पे 22.35 का टारगेट है। उसके बाद और भी काफ़ी सारे टारगेट हैं, वो मैं अभी यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि अभी उसको वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर इसका प्राइस आपको 12.5 के अराउंड मिलता है, 13 के अराउंड मिलता है, देन डेफिनेटली उस प्राइस के ऊपर आपकी जो एंट्री लेनी है वो बनती है। तो 12.5 और 13 के बीच में जब भी इसको प्राइस आपको मिलता है देन डेफिनेटली आपको लेनी है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि बहुत बार यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, क्योंकि यहाँ से जब लास्ट टाइम 12.5 के राउंड आया था उसके बाद इसका जो प्राइस है वो 23 के राउंड चला गया था। उसके बाद फिर से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में गया, डाउन ट्रेंड में जाने के बाद अब इसका प्राइस फिर से एक बार 12.5 को टच किया था और फिर से ये ऊपर की तरफ यहाँ से जा रहा है, और 12.5 को टच करने के बाद इसका प्राइस फिर से 19 रुपीज़ के अराउंड पहुँचा था। अब फिर से यहाँ पे इन केस अगर दोबारा आपको 12.5 के ऊपर मिलता है देन एटलीस्ट इसका प्राइस आपको 16.5 के ऊपर डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो आपको एक शॉर्ट रिकवरी देखने को मिल सकती है, 12 रुपीज़ से 16 रुपीज़ तक अगर ये जाता है देन 4 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है उस टाइम पे अगर ये नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ से ब्रेकआउट तो होगा लेकिन कितनी देर में होगा, दैट डिपेंड। अभी मैं इसको 4 आवर चार्ट के ऊपर यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 4 आवर, यहाँ पर 4 आवर, तो यहाँ से इसके हिसाब से इसका जो टाइम है वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखें तो कौन सा डे पड़ रहा है, तो उससे भी हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा।
इन केस अगर ये नेक्स्ट मंथ का दिखाता है, तो यहाँ पे 30th, यहाँ पे थी 30th of July, उसके बाद जैसे वो कितनी कैंडल्स लगती हैं उसको, 1 2 3 4 5 6 6 कैंडल के अराउंड हमारा ये जो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। अभी 30 की एक कैंडल हो चुकी है, उसके बाद सेकेंड कैंडल, देन यहाँ पे थर्ड कैंडल, देन फोर्थ कैंडल, देन फिफ्थ, देन सिक्स। तो यहाँ पे अगर अभी बिल्कुल स्टेबल रहता है तो तब भी यहाँ पे ब्रेकआउट होने के चांसेस नहीं है। तो मैक्स पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा डे जो है ये 2nd of August होगी, 1 2 3 4 5 6 3rd of August। तो मैक्सिमम 3rd of August तक आपको इसके रिजल्ट दिख जाएंगे, लेकिन 3rd of August से पहले पहले ही हमें इसकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि यहाँ से 16 पे जाएगा या 13 पे जाएगा। तो वो हमें उस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करना है कि ये नीचे की तरफ यहाँ पे इस पॉइंट की तरफ ये अप्रोच कर रहा है या ये ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है। अभी स्टेबल है, अभी कहना मुश्किल है। तो डिपेंड करता है, ट्वीट नहीं आया तो नीचे की तरफ, ट्वीट आ गया तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत इसको यहाँ से ब्रेकआउट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सारे ये पैटर्न जो होते हैं कैसे सही हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ किया होता है, उसके अंदर ये सारी कंडीशंस मैच करी होती हैं कि अगर प्राइस इस पॉइंट को क्रॉस करता है या इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है देन ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस हो जाता है। वहाँ पे बॉट्स ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे सारे पैटर्न्स उनको बता दिए जाते हैं, उनको सिखा दिए जाते हैं, उस हिसाब से ये जो पैटर्न में है मोस्टली इसी हिसाब से मूव करता है। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे USDT पेयर के अंदर, तो इसमें आपको यहाँ पे कोई भी सिमेट्रिक ट्रायंगल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमें जो पैटर्न देखने को मिल रहा है वो राइजिंग वेज पैटर्न ही देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे आपको सिमेट्रिक ट्रायंगल देखने को मिलेगा। दोनों ही ट्रेडिंग व्यू के अंदर है, लेकिन जो पेयर है वो डिफरेंट है। यहाँ पे INR पेयर है, वहाँ पे USDT पेयर है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत चार्ट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंट आ जाता है, लेकिन इतना डिफरेंस आना नहीं चाहिए। बट API सेम है, लेकिन स्टिल यहाँ से प्राइस एकदम ऊपर की तरफ इतना मूव नहीं करता है, लेकिन स्टिल हमें तो पैटर्न से मतलब है। INR के अंदर हमारे पास ये पैटर्न देखने को मिल रहा है और इधर से ये पैटर्न देखने को मिल रहा है, और राइजिंग वेज जब भी पैटर्न बनता है और अगर बियर ट्रेंड हो देन जो ट्रेंड है वो हमेशा रिवर्स होता है, और जब ट्रेंड यहाँ से रिवर्स होगा तो वापस आपको 12.5 या 13 रुपीज़ के अराउंड आपको इसका जो प्राइस है वो देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे यहाँ पे USDT पेयर के अंदर, तो जो यहाँ पे USD के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, तो इसके हिसाब से अगर मैं डॉज कॉइन की बात करूँ तो यहाँ से जो डॉज कॉइन का प्राइस है यहाँ पे बिल्कुल वो अपनी ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है। यहाँ से अगर ये नीचे आया देन आपको इसका प्राइस जो है वो $0.182 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा, और अगर यहाँ से फिर से नीचे की तरफ आता है देन वापस इसका प्राइस आपको 0.15 के अराउंड मिलेगा। अब ये वाली जो लाइन होती है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या काम करती हैं राइजिंग वेज के अंदर, ये आपका होता है हायर लो, उसके बाद ये होता है हायर का हाई, ये आपका हायर का हाई, क्योंकि पिछले हायर से ये और हाई बन रहा है हायर हाई, ये वाला आपका क्या बन जाता है हायर का लो। अगर ये थोड़ा यहाँ पे आता तो ये भी हायर लो, ये होता तो ये भी हायर लो, तो हायर का लो हायर का हाई, ये हायर लो हायर हाई, हायर लो देन हायर हाई। अब यहाँ पे फिर से क्या बन रहा है, फिर से एक और हायर लो बन रहा है, या तो पॉसिबिलिटी है कि अगर ब्रेकआउट होना होगा तो ये यहाँ पे एक नया हायर हाई बनाएगा, ठीक है। अगर इस लाइन को भी मैं यहाँ से स्ट्रेच कर देता हूँ तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसकी यहाँ तक जाने की होगी हायर हाई की, लेकिन अगर यहाँ से फिर से ब्रेकआउट होता है तो ये नीचे की तरफ भी यहाँ से आ सकता है। तो अभी चांसेस क्या हैं, अभी ये पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट कर गया तो डेफिनेटली यहाँ तक आएगा, और अगर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाके इस रेजिस्टेंस को टच करके नीचे की तरफ आता है तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो इस टाइम पे अगर मैं बात करूँगा देन अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है देन यहाँ पे हम इसको शॉर्ट करेंगे, और अगर ये ऊपर की तरफ यहाँ पे इस लाइन के पास ब्रेकआउट करता है देन हमें क्या करना है वहाँ पे हमें उसको बाय करना है। तो ये तो हो गया हमारा USD पेयर के अंदर, लेकिन आपको साथ साथ INR पेयर को भी यहाँ से अच्छे से वॉच करना है, क्योंकि इसमें भी आपको जो पिक्चर है वो काफ़ी हद तक क्लियर होती नज़र आएगी। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। अब यहाँ पे राइजिंग वेज की दोनों कंडीशन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो राइजिंग वेज पैटर्न जो होता है ये फॉर्म करता है हायर हाई हायर लो, और राइजिंग वेज जो है वो एक तरह से बियरिश सिग्नल आपको जनरेट करके देता है कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने वाला है। सो दो टाइप के राइजिंग वेज होते हैं, या तो वो ऑलरेडी आपका अप ट्रेंड के अंदर हो, या तो अप ट्रेंड के अंदर हो या आपका डाउन ट्रेंड के अंदर हो, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड,
अब हमारा पैटर्न क्या आ रहा है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है। तो ऑलरेडी हम ऊपर से काफ़ी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, सो यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो कंटिन्यूसली वो डाउन ट्रेंड के अंदर ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाली जो चीज़ होती है, जहाँ से नीचे वाली लाइन है वो एज अ सपोर्ट का काम करती है, जो ऊपर लाइन होती है वो एज अ रेजिस्टेंस का काम करती है। तो आपका हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और यहाँ पे जिस पॉइंट के ऊपर आता है, यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हो जाती है, कंफर्म हो जाती है कि यहाँ से अब इसका ब्रेकआउट होने वाला है। तो यहाँ से शॉर्ट करेंगे, और जो उसकी ये वाली सपोर्ट होती है यहाँ तक, या इससे थोड़ा सा ऊपर हम अपना टारगेट रखेंगे, तो इस तक का हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। सेम अगर यहाँ से ऑलरेडी ऊपर की तरफ आ रहा है और हमारा अप ट्रेंड हो, तो वहाँ पे भी क्या होता है, जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे भी हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और यहाँ से भी आपका जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा, फिर से अगेन ये टारगेट और एग्जिट यहाँ से हमें कर जाना है। तो यहाँ से भी हम इसको शॉर्ट करेंगे। अगर इस पॉइंट के ऊपर ब्रेकआउट होता है, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ये 30% चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे 70% चांसेस होते हैं कि वो नीचे की तरफ आएगा। सेम यहाँ पे भी 30% चांसेस जो उसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी, और यहाँ पे 70% चांसेस कहाँ तक, जो वहाँ पे इसने स्टार्ट किया था उससे थोड़ा ऊपर आप लेके चलो। इसके और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में आप अपना प्राइस का टारगेट रख सकते हो। सेम इधर भी और इधर भी, इन दोनों के बीच में हम अपने प्राइस का टारगेट रख सकते हैं। और अगर हम वापस से एक बार दोबारा से इसको चेक करें, तो सेम यहाँ से इन केस अगर ब्रेकआउट करता है, देन हमारा जो टारगेट है इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में अगर टारगेट की बात करेंगे, तो हम यहाँ तक अपना जो टारगेट है वो रख सकते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो यहाँ तक रख सकते हो। वैसे चांसेस होते हैं कि यहाँ पे इसको टच कर देगा, इन केस अगर नहीं टच करता देन वो बात की बात है। तो ऑलरेडी हम प्रॉफिट में होंगे, तो कोशिश करेंगे, प्रॉफिट हो चुका है तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। और अगर INR पेयर के अंदर भी अगर हम देखें, तो यहाँ से ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है यहाँ पे नीचे आने के बाद, देन अगेन हमारा टारगेट वो 12.5 के अराउंड ही हमें देखने को मिलेगा। रेस्ट जब भी अगर आपको डॉज कॉइन थोड़े कम प्राइस में मिलता है, आप इसको लेके रख लो, क्योंकि अगर ये ऊपर की तरफ भागता है तो कुछ पता नहीं कब कौन सी क्रिप्टो किस वजह से ऊपर भाग रही है, किसी को कुछ नहीं पता, कभी भी ये ऊपर भाग जाते हैं, कभी भी इनका कुछ भी नहीं हम 100% कंफर्म कर सकते कि ये क्यों ऊपर भाग रहा है। और उसके बाद जाके यहाँ पे अगर आपको कभी भी डॉज कॉइन, मैं यही बोलूँगा, कम प्राइस में मिलता है, तो आप इसको लेके रख लें, क्योंकि हफ्ते में या 5 या 10 दिन के बाद ये डेफिनेटली थोड़ा सा ऊपर भागते ही भागता है। यहाँ से भी देखो ऊपर भागा था, उसके बाद यहाँ से एकदम ऊपर चला गया, यहाँ पे इसको क्या हुआ था पता नहीं, ऊपर की तरफ भाग गया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये ऊपर जाएगा, अभी ये स्टेबल है, ये नीचे आने दो, नीचे आने के बाद देन एक बार इसका ब्रेकआउट होने दो, देन आप इसके ऊपर एंट्री ले लेना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डॉज कॉइन। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, या मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।